रियल स्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल योर सर्च एंड्स हियर जी आपने रेडियो वॉइस ऑडिशन पोल्स आइटम चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया. स्टूडेंट नंबर नोट कर लीजिए 905-226-9109-905-226-9109 इज द स्टूडेंट नंबर टू कॉल. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सेगमेंट के मेन स्पॉन्सर हैं वाई मीडिया के मेन स्पॉन्सर रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल. अगर आपका कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कोई आपने रिपोर्ट पढ़ ली है, कोई अपडेट पढ़ ली है, कोई अपना पर्सनल सवाल भी है, या फिर अगर आप कुछ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में कुछ घुसना चाहते हैं, उसकी कोई अपडेट चाहिए, व्हाटएवर गाइडेंस यू नीड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल, जिनको आप लाइव क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं स्टूडियो नंबर पे कॉल करके. दैट इज 905-226-9109-905-226-9109 पे. वेलकम कर लेते हैं, वेरी वार्म वेलकम टू आवर मीडिया पीके जी. कैसे हैं आप? हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया सारा, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स. जी सारा, और बताइए, धूप कर दी ना मैंने बाहर? अरे बिल्कुल सर, मैं जस्ट जाना धूप के चक्कर में, तय नहीं है कहीं तो धूप के धोखे में चली जाए बाहर. हाँ पता चले धूप है जी, फर्स्ट क्लास, जैसे इंडिया में जून का महीना होता है वो नजर आ रहा है, जब बाहर निकले तो ठंड. ये तो सच बात है सर, ये एकदम करेक्ट. कोट देखो है ना, मजा कोट पहन के बाहर जाके धूप देखो. आज यही हुआ था सर, सुबह सुबह मैंने देखा कि चलो धूप खिली है बाहर की, असला अरे को पहनना पड़ेगा थोड़ा सा कार्डिगन. हाँ पहन लिया नहीं तो मुरझा के अंदर आ जाती धूप खिली हुई. नो बट सही में इट्स लाइक वेरी मिक्स्ड ऑफ वेदर चल रहा है राइट नाउ, बट एंजॉयमेंट ही है, ये भी एक है कि नहीं. जी क्या बात, ऑल गुड सर, ऑल गुड. पीके जी हमेशा वेंसडे का हमेशा इंतजार रहता है बिकॉज वी लर्न अ लॉट, यू नो. एक यू नो चीजें यही होती है पीके जी कि यू नो एक ले पर्सन क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम लोग ना बिना एक सोचे पूछ लेते हैं आपसे. दैट फ्रीनेस जो है आई थिंक दैट वी ऑल हैव एज लिसनर्स एज वेल एज अ होस्ट एज वेल, वो एक आ जाता है कि पीके जी से ही पूछ लेते हैं, सब सही हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, फिर मेरे को भी थोड़ा पढ़ना पढ़ना पड़ता है, फिर मैं भी बाहर में बैठ के बैठता हूँ उसके बारे में खूब कुरेद के उसको और इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ. जी 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 बिल्कुल पीके जी. एंड आज भी स्टार्ट करते हैं, एंड हमारे लिस्टर्स को मैं बता दूं स्टूडेंट नंबर जरूर 905-226-9109-905-226-9109 इज द स्टूडेंट नंबर. बोले शायद आपने नंबर मैं दिल दिन लिखा हुआ है 905. बोलो जरा बोलो 905-226-9109. ठीक है जी, अब मुझे भी याद हो गया 226-9109 रिपोर्ट आई है कि टोरंटो जो है फिफ्थ रैंक कर रही है वर्ल्ड फॉर रिस्क ऑफ रियल एस्टेट बबल में, एंड ये बबल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है एंड इट हैज गॉन अप टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. तो इस रिपोर्ट को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. हाँ मेरे को पिछले शो में भी किसी ने पूछी थी ये बात, और ये बड़ी प्रोमिनेंट न्यूज आई है अभी तो, जो कि आपने भी ठीक पढ़ी, और ये यूबीएस की रिपोर्ट है. ये बहुत बड़ा स्विस बैंक जायंट है, बहुत बड़ा बैंक है, स्विस बैंक है ये. इसने रिपोर्ट दी थी, इसका इंडेक्स जो आया था, जो इसने इंडेक्स दिया था इसने उसके इंडेक्स को भी मात कर दिया, उसके इंडेक्स से भी ये रिपोर्ट आगे निकल गई. क्योंकि जो उन्होंने पुराना इंडेक्स दिया था अब उनका भी इंडेक्स बदल गया. उन्होंने सातवें नंबर पे लाके रखा था टोरंटो को कि बबल के मामले में, कि टोरंटो रजिस्टर बबल बहुत ना बड़ा हो चुका है टॉप सेवन में, लेकिन उसको भी मात करके अभी पांच में आ गया हमारा टोरंटो जिसकी आप बात कर रहे हैं, पांच में आ गया. और 25 मेन सिटीज की उन्होंने बबल रिस्क स्कोरिंग की थी, और जिसमें मियामी सबसे वन नंबर पे है, 1.79 शायद उसका था. टोक्यो सेकेंड नंबर पे था, 1.6 ऐसे कुछ था. फिर ज्यूरिख आता है, फिर लॉस एंजलिस आता है, फिर टोरंटो आता है, इसका तो मुझे याद है 1.03. तो ये उसके बाद करते 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 नीचे चलते आते, वैंकूवर 10 नंबर में आता है. ये बबल रिस्क जो है सात से बढ़ के पांच में आ गया, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जो खरीदना चाहते हैं उनको खुश होने की जरूरत नहीं है कि बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि साथ ही में इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि ये इनकी हालत बुरी नहीं हुई बबल में, बल्कि जो इनसे ऊपर थे उनकी हालत बेटर हो गई तो वो इनसे नीचे चले गए, इसकी वजह से पांच नंबर में आ गए. समझे बात, सारा जो इनसे ऊपर थे
उनके यहाँ पर सुधर गई, उनके जो कैलो की जो इंडेक्सेस थे वो सुधर गए, जिसकी वजह से वो इनके नीचे आ गए और ये 5 नंबर में चले गए। अदरवाइज इनकी हालत ज्यादा खराब नहीं, फिगर्स में आ गई पर एक्चुअल नहीं आई। क्यों वो कह रहे हैं, इनके सब इंडेक्सेस जो हैं वो 5 में से 3 इंप्रूव कर रहे हैं, टोरंटो के 3 out of 5 इंप्रूव कर रहे हैं, जिसमें से जैसे रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने रुक गए, इंटरेस्ट नीचे आना शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी बेटर खबर थी, तो ये और भी बड़ी चीजें, रिटेल सेल वगैरह थोड़ा बेटर था, तो ये बाकी सीरीज के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो इसलिए इसमें खतरे की बात नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि बबल लिस्ट में अभी है। ये आपने बिल्कुल ठीक खबर पढ़ी, लास्ट ईयर में 7 था, अभी 5 हो गया, बट जैसे कि उन्होंने बताया जो बाकी सीरीज थी वो रिस्क से थोड़ी बाहर होती जा रही थी, इसकी वजह से हम ऊपर आ गए। या दिस इज व्हाट इट इज। या और पीके जी, ये भी पता लग रहा है कि जो बिजनेसेस हो रहे हैं उसमें भी ढेर सारे अपेरेंटली क्लोजिंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तो, हाँ जी, जी। बहुत ज्यादा। अभी आपको एक खबर बताऊं लेटेस्ट बिजनेसेस की, 1 महीने के अंदर 1 out of 20 बिजनेसेस क्लोज हुए हैं, 20 में से 1 बिजनेस बंद इन ए मंथ, बिगेस्ट वेव सिंस पेंडेमिक। पेंडेमिक तो बंद हुई थे, लॉक हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो वो लॉकआउट वगैरह वो तो अलग बात थी, लेकिन बिगेस्ट वेव सिंस पेंडेमिक इन द हिस्ट्री ऑफ कैनेडा, इन द हिस्ट्री ऑफ कैनेडा 1 out of 20। आपको बताऊं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, 46,000 समथिंग बिजनेस क्लोज हुए सिर्फ जून के महीने में, जून का डाटा दे रहा हूं क्योंकि ये डाटा 3 महीने बाद आता है, 1 महीने में 46,000 समथिंग बिजनेस बंद हुए हैं, जबकि खुले कितने थे पता आपको? कितने सर? जितने 1 साल में खुले थे ना, उससे 9,000 ज्यादा बंद हो गए। ओह माय गॉड, वाओ, है ना डराने वाली बात? वेरी सर, इंडीड। जितने पूरे 1 साल में नए बिजनेस खुले थे, उससे ज्यादा बिजनेस 1 महीने में बंद हो गए। और हमें नजर आ रहा है, हम भी बिजनेस में ना, हम देख रहे हैं चीजें सारी कि क्या हो रहा है, और ये कारण क्या है, रिटेल सेल डाउन, इनकम्स डाउन, ये आपका इंटरेस्ट रेट हाई, बाइंग कम जो कि रिटेल वगैरह है। देखो हर चीज को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है ना, उसके बाद फिर ये पुलंदे जिसको कहते हैं हिंदी में खुलने शुरू हो जाते हैं, कार्ड्स खुलने शुरू हो जाते हैं, तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा ना, भूख की भी एक हद होती है ना, एक डंग नहीं खाया, डिनर नहीं खाया, चलो फिर ब्रेकफास्ट नहीं खाया, फिर लंच नहीं खाया, फिर नेक्स्ट दिन नहीं खाया, फिर 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगा, चौथे दिन और। तो यही हाल इसमें हुआ है, ये बिजनेसेस कब तक टॉलरेट करेंगे, 1 महीना 2 महीने 6 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल, आफ्टर ऑल ये क्लियर होता जाएगा, सामने आता जाएगा, और विच इज नॉट ए गुड थिंग टू हैपन, विच इज नॉट ए गुड थिंग टू हैपन। और ये तो छोड़ो क्लोज की आपने बात करी, अब ओपन की बात भी कर लो ना, खुल कितने रहे हैं, है ना, ये जो मैंने जैसे बताया कि जितने 1 साल में खुले थे वाइप आउट हो गए 1 महीने के अंदर, उसी प्रकार जो 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 बिजनेस खुल रहे हैं, ओपनिंग नए बिजनेस की, उसकी रफ्तार भी बहुत कम हो गई है, और वो जो है रिड्यूस्ड लगभग 8-9 हजार के करीब ओपन कम होते जा रहे हैं पर मंथ की एवरेज से, समझे मेरी बात? ये जो है विच इज नॉट अगेन आई वुड से ए गुड साइन टू हैपन, बट क्या कर सकते हैं जी। पीके जी, 8.6 जो है ओपनिंग्स फेल हुई है, 3,746 के आसपास, 49,000 के करीब आ गई है ओपनिंग्स, जो कि पहले 43 के आसपास होती थी 1000। जी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। पीके जी, एक सवाल है वैसे हमारे लिस्टनर का ही, एक टेक्स्ट मैसेज आया मुझे, इनका नाम है सौरभ, एंड ही सेज कि पीके जी आई लिसन टू यू लॉट, एंड वो मॉर्निंग से फॉलो करते हैं आपके शो को, एंड एवरी वेंसडे ही लिसन्स, एंड उनका सवाल ये है कि वो आपसे कंपैरिजन मांग रहे हैं कि यू नो अगर वो हैमिल्टन रीजन जो होता है वर्सेस अगर नायग्रा रीजन पे जाए, तो इफ ही इज थिंकिंग अबाउट बाइंग अ प्रॉपर्टी, विच आउट ऑफ दीज टू वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर हिम? नहीं नहीं, मैं तो ये पूछूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि रहने के लिए? रहने के लिए, रहने के लिए है ना, जी। तो फिर ये देखा जाता है, मिले बगैर मैं इसकी सलाह दे ही नहीं सकता ना, सिर्फ हैमिल्टन कहना और सिर्फ नायग्रा फॉल कहना बड़ा फर्क है। अगर एक तरफ से आप नायग्रा फॉल कह रहे हो, फिर वैलेंट भी नायग्रा फॉल के अंडर आता है,
लेकिन वो वैलेंट जो है नियाग्रा फॉल से आधा घंटा दूर है। तो नियाग्रा फॉल रियल नियाग्रा फॉल की बात कर रहे हो या उससे आउटस्कर्ट्स की बात कर रहे हो? राइट, फिर नियाग्रा फॉल के बाद आपका जो है नियाग्रा अंदर लेक चले जाते हो, है तो नियाग्रा फॉल, पर वहां से फिर वो आधा पौना घंटा दूर है। नियाग्रा फॉल के अंदर आप देखो, मेरी बात मैं जो समझाना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि उसके बाद फिर देखना होता है कि नेबरहुड क्या है, फिर देखना पड़ता है कि परचेज प्राइस क्या है, फिर देखना पड़ता है कंपैरिजन करके दोनों हैमिल्टन में कहाँ है, हैमिल्टन के आउटस्कर्ट में है, एनकैस्टर के आसपास है, या हैमिल्टन के पास है, कहीं जाकर अंदर है, मिडल में है। तो ये चीजें के लिए बैठ के बात करनी जरूरी है। पर इन माय ओपिनियन हैमिल्टन बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और ब्यूटीफुल जगह है हैमिल्टन, बहुत अच्छा। और आगे आगे और चले जाओ थोड़ा सा तो ग्रैंड रिवर वगैरह ये वो बहुत ब्यूटीफुल है, सीनिक है, और नियाग्रा फॉल टूरिस्ट का एरिया है सारा। तो दोनों कंपटीशन में बराबर ही चलेंगे, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। ये ना हो कि आप नियाग्रा फॉल चले जाओ, रोज मेहमानों को नियाग्रा फॉल दिखाने के निकलता रहो, यही में तुम्हारी ड्यूटी लग जाए रोज बजाय रहने की रोज मेहमान आके तुम्हारे घर बैठ जाए, चलो जी दिखाओ नियाग्रा फॉल, क्या ख्याल है? बिल्कुल ये भी डिपेंड करेगा ना आपके नेचर के ऊपर, है ना। पता चले कि वो मेहमान आके बैठ गया, वो निकल ही नहीं रहा, अब जो वो निकल ही नहीं रहा तो बड़े परेशान हो गए, यार क्या करें, हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी नियाग्रा फॉल में घर लेकर ये रोज। तो कहते हैं काम करते हैं कि हम लड़ाई शुरू कर देते हैं आपस में मियां बीवी ये अपने आप भागेगा। कहते भाई लड़ाई दिखाएं कैसे उसको कि हम लड़ रहे हैं? कहते कमरे में बस मैं नकली मारूंगा तो नकली रोना। कहता ठीक है, तो उसने नकली इसने मारना शुरू कर दिया। और करेगी? कहती करूंगी। कैसे करेगी? नहीं, जोर जोर झगड़ा। उसके बाद मेहमान साहब ने फटाफट टैची उठाई, कहते बाय बाय करके वो निकल पड़ा। बाद में दोनों हंसे। वो कहता है मैं कि तन्ने मारो, वो कहती है मैं क्या रोई, बाहर से आवाज आई क्या मैं गया। गेस्ट भी बोलते ना एक नंबर दो नंबर गेस्ट भी एकदम सौ नंबर, वो भी कहता नकली लड़ाई हो रही है, मैं भी कौन सा गया हूँ, मैं भी तो यहीं बैठा हूँ। वैसे पीके जी आपने एक पॉइंट अभी रेज की कि सबसे पहले आप पूछेंगे वेदर इट इज फॉर स्टेइंग और इन्वेस्टिंग। स्टेइंग का तो आपने पता है, लेकिन अगर कोई से इन्वेस्टिंग का सोच रहा है, इन्वेस्टिंग के लिए फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि नियाग्रा फॉल में कहाँ लेना, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना तो ताकि आपके वहाँ पर रेंटिंग एयरबीएनबी वगैरह सारी काम आ जाए। और अगर आपने रेंटिंग लिए लेना है तो हैमिल्टन में कहाँ लेना है ताकि आपकी प्रॉपर वहां पर सब आपकी इन्वेस्टमेंट को जैसे कहते हैं रिटर्न अच्छी है, आरओआई जिसको कहते हैं, वो फिर उस हिसाब से हमें जगह देखनी पड़ती है। ठीक है सर। पीके जी आई थिंक जो आईडी का वक्त आ गया, वाईमीडिया आईडी का, तो आईडी ले लेते हैं, उसके बाद सवाल जवाब जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ और सवाल भी है हमारे लिसनर्स के, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल, सो इन सबको डिस्कस करेंगे जरूर। एक बहुत छोटी सी हम आईडी जो है वो प्ले कर लेते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो नंबर नोट कर लीजिए 905226 9109 905 226 9109। किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने के लिए 416-475-5000-475-5000। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सरवाल जी जुड़े हुए हमारे साथ, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है लाइव आप कॉल कर सकते हैं 905-226-9109 पे, 905-226-9109 पे। पीके जी वेलकम बैक सर। थैंक यू वेरी मच सर जी। पीके जी एक यू नो विवेक साहब का एक सवाल है आपके लिए, एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी जेनरिक क्वेश्चंस, आई वाज रीडिंग इट, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ कैन सेलर्स मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी बिफोर लिस्टिंग इट। ओ ये तो फिर मेरे को आप दे दो पूरा आधा दिन। जी देखो मैं छोटी मोटी दो तीन बातें बता देता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके लिए बहुत एक मेरे को पूरा एक घंटे का शो चाहिए मिनिमम। देखो सबसे बड़ी बात है आपके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम द वैल्यू के लिए क्या वाओ फैक्टर जिसे कहते हैं वो लाना बड़ा जरूरी है। वाओ फैक्टर कैसे आएगा? आप सोचो एक घर वाओ से बिक जाता है, जनता अंदर जाते ही लेडी सहायता लेडी कहते हाय बड़े दिल खुश हो गया ये किचन देखकर, मेरा दिल खुश हो गया मेरा वॉशरूम देखकर। एक तो ये वाओ फैक्टर होता है बड़े, फिर एक प्राइस इज राइट, जब आप प्राइजेस राइट लाते हो ना वो फालतू में बिक जाता है, महंगा बिक जाता है, और जब आप ओवर द प्राइस लाते हो वो राइट प्राइस से भी नीचे बिक जाता है। ये मिथ है लोगों, इसका प्राइस अगर 1 मिलियन है तो तुम्हारे का फायदा तुम इसको 1,50,000 कर दो, वो 1,50,000
चले आएगा क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हेलो जी पीके जी प्लीज गो। हेलो, बीच में कुछ आवाज आ रही थी। तो क्योंकि उसमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 मिलियन की प्रॉपर्टी 1,50,000 में करते हो कि ज्यादा प्राइस के लिए, वो आपको अल्टीमेटली कम प्राइस मिलेगा। एक स्टेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेजिंग कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं करती। एक एक नॉर्मल से घर के अंदर $3,000-4,000 में स्टेजिंग हो जाती है और वो आपको कई बार 30,000-30,000 ज्यादा दे देती है और वॉव फैक्टर ले आती है। वॉव फैक्टर ही आपको ज्यादा प्राइस दिलवाता है। वॉव फैक्टर ही आपको प्राइस ज्यादा दिलवाता है। मेरी बेटी का घर मैंने अभी पीछे बेचा है, इतनी तंगी के अंदर तीसरे दिन बिक गया, थर्ड डे बिक गया और 2-3 ऑफर आ गई। हमने चॉइस में बेची, अपनी मर्जी से बेचा क्योंकि हम उसके अंदर वॉव फैक्टर, आने वाला धूप आ रही है, बाहर से रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, ब्यूटीफुल स्टेज है, बड़ा अच्छा है, अच्छी तरह रखा भी हुआ है। हम अगर सोचते हैं कि पेंट, अरे ये तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ये तो ठीक है, वाणी की ठीक नहीं है, वॉव पेंट तो बड़ा शानदार है, तब मानूंगा ठीक है। तो अगर आप हर जगह कंप्रोमाइज करने बैठ जाओगे तो ये आपका लॉस होगा और उससे ज्यादा मल्टीप्लाई करके लॉस होगा। सिंपल सी बात है इसका। देखो, पहला हमारा कर्तव्य ड्यूटी बनती है कि जो आपके लॉट के आगे से गाड़ी निकल रही है वो रुक जाए। वो रुकेगी कैसे, जब उनको बाकी घरों के हिसाब से ये घर ज्यादा अच्छा नजर आएगा। अरे देखो इन घरों में ये घर कितना अच्छा है। उसके लिए आपके बाहर लैंडस्केपिंग, छोटी सी लॉन, यानी कि पैसा बहुत खर्च करना है। गमले, थोड़े फ्लावर्स, थोड़े घास को ढंग से काटा हुआ हो, या दरवाजे के ऊपर ही थोड़ा सुंदर सा कोई लाइटें लगाई हो। और पता चला लाइट को ऑन किया तो कहानी, एक राइट की लाइट जल रही, लेफ्ट की जल नहीं रही, कौन घुसेगा अंदर? बल्ब कितने का आता है? $2 का, राइट? तो मतलब हेलो हेलो जी पीके जी, हेलो हेलो, बीच में आवाज गायब हो जाती है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी पीके जी, आप ऑन रही, आपकी आवाज आ रही है, मुझे ऐसे लगा। तो ये छोटी मोटी बातें जो कि बहुत बड़ा बन जाती है, पहले बाहर से अंदर, पहले प्राइस राइट रखना, दूसरा मार्केटिंग, ताकि लोगों को पता भी तो चले कुछ बिक रहा है। ये नहीं हुआ कि MLS में डाल दिया, बात खत्म हो गई जी। और इसके बाद क्या आपका रियल्टर मार्केटिंग कर रहा है, कैसी मार्केटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया में कहाँ डाल रहा है, किधर कर रहा है, लोगों को बता रहा है, नहीं बता रहा, कैसे बता रहा है, मार्केटिंग हो गई, फिर राइट प्राइस हो गया, फिर प्रेजेंटेशन हो गई राइट, बाहर से गाड़ी को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो और अंदर लाने के बाद क्या कर रहे हो। पता चला जैसे ही घर खुला, आपको डॉग बहुत पसंद है और आने वाले को पसंद नहीं है, उससे उसको एलर्जी होगी, छींकें आनी शुरू हो गई, भाग गया, वो घर देखेगा ही नहीं, या नहीं भी आ रही तो उसको डॉग पसंद नहीं है, उसकी स्मेल पसंद नहीं है, या कैट रखी हुई है उसको पसंद नहीं है। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फिर तीसरी बात, पर्सनल फोटोज, उनको कोई लेना देनी है आपके पर्सनल धार्मिक फोटो से, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं भी धर्म को मानता हूँ, मैं भी बड़ी करता हूँ, लेकिन आप अपने धार्मिक स्थान को एक तरफ करिए। बड़ी बड़ी, पता चला बड़ी सी मूर्ति दादाजी की फैमिली रूम में टंगी हुई है, वो खाट में छत के ऊपर बैठे थे आज से 50 साल पहले। अरे यार, उस फोटो को क्या लेना देना बाहर को जी। मैं राइट और रॉन्ग? जी सर, बिल्कुल। वो दादाजी की फोटो को हटाइए वहां पर जिसे कहता ना, वो किसी ऐश्वर्या राय की लगा दीजिए टेम्परेरी। क्या बात है जी। हाँ, या कोई सीनरी लगा दीजिए। पर्सनल फोटो हटाइए, क्योंकि जब आपकी पर्सनल फोटो लगी होती हैं, उससे उसको अपनापन नजर नहीं आता बाहर को कि मेरा घर है ये। उसको अपना घर महसूस कराइए। न्यूट्रल फोटोज लगाइए, सीनरीज लगा दीजिए, जितनी सीनरीज कम कर सकते हैं उतनी करिए, पर्सनल फोटो सारी हटा दीजिए। जब तक आपकी पता चलता है पूरा फैमिली चार्ट बना हुआ है, 20 फोटोएं लगी हुई है, आप उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हो, निकल जाए बाहर, तेरा घर नहीं है, मेरा घर है। जबकि आपको उसको इसलिए लाना है कि तेरा घर है, उसके लिए पर्सनल फोटो सारी हटाइए वहां से, उसको ऐसा प्रेजेंट करिए कि उसको घुसने के बाद अपना घर लगे। कैसी लगी आपको बात? सह रही, वेरी गुड पीके जी, एक्चुअली करेक्ट बात कही आपने, बिल्कुल वॉव फैक्टर तो सही में सच बात कही आपने। इट शुड प्लीज योर आईज। बर्तन किचन में पड़े हुए बहुत सारे है, अच्छा उसका फ्रिज खोला फड़फड़ करके, जो फ्रिज में से, हालांकि अलाउड नहीं है खोलना, लेकिन जब आप घर में नहीं है कोई कभी भी खोल ले क्या पता। जब उसने खोला तो 2-4 तो नीचे गिर गए, पता चला सब्जियां ऐसी पड़ी हुई हैं, बनी पकी हुई सब्जियां, रोटियां, आटे ऐसे पड़े हुए हैं, वहीं से अंदाजा लग जाता कि ये कितना हाइजीनिक है, घर को कैसे रखता होगा ये जी। देखो, सबसे पहले देखा जाता है घर, उसका सबसे पहले वो किचन से पता चलता है और वॉशरूम से पता चलता है कि घर कितना अच्छे ढंग से रखा हुआ है। क्या आपने कोई उसके अंदर रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है? मैंने आपको एक टिप भी दी थी, याद है? कि वो बल्ब पे स्प्रे करके चले जाओ जी, तो या फर्नेस में मैंने कहा था स्प्रे कर दो। तो ये जो है आपका किचन, फिर वॉशरूम, उसके बाद जब किचन आते हैं
उसके बाद आता है कि आपने किस तरीके से पेंट्री में स्टैक किया हुआ सारा सामान। फिर आता है फ्रिज, उसमें आपने किस ढंग से सामान सारा रखा हुआ है, ओवरलोड करके ऐसा गंद रखा हुआ है कि आदमी को नाक बंद करके भाग जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो खाना पसंद है हो सकता है दूसरी कम्युनिटी को पसंद ना हो। तो ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी एंट्री करते ही पता चला जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर जो है ना, अगर पंजाबी है तो भंगड़ा चल रहा है और वो क्रिश्चियन है तो अपना कोई और गाने चल रहे हैं, हिंदू है तो उसके कोई और गाने चल रहे हैं, और जो अंदर आ रहा है वो कोई अंग्रेज है। सारा इंप्रेशन खत्म। ऐसा म्यूजिक लगाइए, वोकल लगाइए मत, इंस्ट्रूमेंटल बड़ा लाइट सा म्यूजिक लगा दीजिए अगर लगाना ही है तो। जी कैसी लगी? बढ़िया आवाज लगी बिल्कुल बीके जी। एंड आई थिंक कुछ कॉलर्स भी जुड़े हुए हमारे साथ, उन्हें भी ले लेते हैं। हाँ जी, वार्म वेलकम टू वाई मीडिया, आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। आप अनम्यूट कर लें, प्लीज गो अहेड। हेलो जी, जी जी बताइए। जी मैं द्रोणाचार्य जी से बात कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य मैं एकलव्य सर, मैं पीके सर आपको मैं 2-3 साल से सुन रहा हूँ रेडियो पे, एंड आई एंजॉय लिसनिंग टू यू और आपकी नॉलेज। उसके बाद से, उससे पहले मैं सबको इनकरेज करता था फैमिली फ्रेंड्स को घर खरीदने के लिए, और फिर मैंने लाइसेंस लिया जी, और लाइसेंस लेने के बाद भी आप, इसीलिए मैंने आपको द्रोणाचार्य बोला है क्योंकि आई लर्न अ लॉट मोर जस्ट लिसनिंग टू यू। वेरी नाइस। आपका कंपनी ये बताइए आप रहते कहाँ हैं? मैं नाउ आई एम इन पिकरिंग। अच्छा अच्छा, मिलिए किस दिन आके सर? बस आपसे ऐसे ही मिलना चाहता था मैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बात तो कर लूँ, इतना टाइम हो गया। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा क्योंकि मेरा फोन फाउड होता है हमेशा, तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि वो मेरी असिस्टेंट के पास चला जाता है। तो आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, नॉट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मेरे पास सैकड़ों आती है तो मैं देख भी नहीं पाता, तो टेक्स्ट मैसेज इज द फास्टेस्ट वे फॉर माई रिप्लाई। नाम लिख दीजिएगा नीचे और आपको कॉल 24 आवर में आएगी। वी प्लान हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर यार, अच्छा लगेगा। डेफिनेटली आपकी बातें सुन के आई एंजॉय लिसनिंग टू यू, सो इफ वी हैव अ कन्वर्सेशन आई वुड लव टू डू दैट। थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर, तो अच्छा लगा कि आपको, लेकिन मैं बताऊं ये बात सीखा आप लोगों से हूँ सारी। जी हाँ, तो आप लोगों से ही रहना, यू आर गिविंग इट बैक, सो दैट्स व्हाट लोग जल्दी करते नहीं है। ये मार खा खा के जो जिंदगी में सीखा था वो मैं शेयर कर लेता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन आया था सेल के लिए, बेस्ट प्राइस के लिए क्या करें, तो जो जल्दी जल्दी मैं बोल सका 5-7 मिनट में मैंने फटाफट बोल दिया, नहीं तो इसके ऊपर आर्टिकल बहुत बड़ा लिखा हुआ मैंने पहले। आपके एक सेमिनार में भी आया था मैं फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज नॉट अ लाइसेंस्ड सेल्स पर्सन। अच्छा, तो वो वहां से मुझे मोटिवेशन हुआ था। किस टॉपिक पे था वो? इन्वेस्टमेंट। आर यू फिट टू इन्वेस्ट, उसका नाम था शायद, आर यू फिट टू इन्वेस्ट, राइट, अ फ्यू इयर्स बैक, 2-3 साल पहले। कैसा लगा था आपको एकलव्य जी? सर इसीलिए तो आपको द्रोणाचार्य बोल रहा हूँ। आपका नाम बता दो ना अभी। मेरा नाम दानिश। दानिश जी, दानिश, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो अच्छा, वो जो सेमिनार था मुझे समझ आ गया, जो इन्वेस्टर वाला था उसमें टॉपिक बदल गया था आधे बीच में, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन अलग से आने शुरू हो गए थे उल्टे सीधे, जिसमें किसी ने कहा कि जी अब हम कहाँ से लाएं, या गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो, तो फिर मैं लाइव के ऊपर शायद मैंने बोलना शुरू कर दिया था। राइट, आई थिंक इट वाज बिफोर दैट, कोविड से पहले था मैं। अच्छा 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 अच्छा, मिसेस आगा हिल्टन में आपका था इन द बेसमेंट। ओह अच्छा, वो दूसरा वाला, ओके ओके, वो मेरे ऑफिस के पास था। ठीक ठीक, वो था आई थिंक, वो था असाइनमेंट के ऊपर था शायद। और आपके कुछ इन्वेस्टर ऑलरेडी थे? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बोल रहा हूँ ना, आपसे इंस्पायर होके आई हैव बीन वेरी नाइस, गॉड ब्लेस, तरक्की करो जिंदगी में, और अगर कुछ मेरे लिए सेवा होगी मुझे पूछ लेना बेशक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सो स्वीट, थैंक यू सो मच दानिश जी जुड़ने के लिए, बिल्कुल हमारे साथ, वेरी स्वीट इंडीड। एंड अनदर कॉलर वी हैव, बिल्कुल आप ऑन एयर है, गो अहेड जी, वेलकम टू वाई मीडिया। हेलो सबराज जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल है? बस ठीक है। तो सबराज जी, आजकल ना ये घर सेल पे लगाना भी ना बड़ा ट्रिकी हो गया है, कई तो वो $1-2 पे लगा देते हैं, कोई ज्यादा कम लगाते हैं कि जिससे कि ज्यादा मल्टीपल ऑफर आए, एक्साइटमेंट आए, ये बड़ा समस्या है, ये भी है ना। हाँ, इसका ये मैं बताऊँ एक बात, ये जो $1 में लगाना है ना, ये वहाँ लगाया जाता है $1 के ऊपर जब सहमति तीनों में ना हो। तीन कहाँ से आ गए?
एजेंट में, मियां में और बीबी में, तीनों का प्राइस एक ना हो रहा हो, तीनों के प्राइस में कंफ्यूजन हो, घर ऐसा हो जिसका कंपैरिजन नजर ना आ रहा हो, जिसका कंपैरिजन मिल ना रहा हो, या एक टिपिकल अलग किस्म का मॉडल हो, और उस तब जाके ये बहुत सस्ता लगा दिया जाता है, $1 का लगाना कोई गलत नहीं है। तो उसमें जब कंपटीशन होता है तो जो बेस्ट प्राइस होता है वही राइट प्राइस होता है। तो ये हो सकता है कि वो बस वो प्राइस जानने के लिए ही लगाया, उसने बेचना ही ना हो, है ना सर? नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या बिगड़ रहा है बाहर का, उसने प्राइस डाल दिया। अब अगर मान लीजिए $1 का लगाया और उसकी एक्चुअल कीमत 1 मिलियन थी और उसको 1 मिलियन की आगे ऑफर, तो अगर वो नहीं बेच रहा तो या तो वाकई वो प्राइस लेता या वो इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था। लेकिन राइट प्राइस पता करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया ये, $1 में लगा दो, मान लीजिए उसके ऊपर 25-30 ऑफर आ गई या 20 ऑफर आ गई, 10 आ गई, और फिर रियल्टर की आगे कारीगरी है कि उनको कैसे मोटिवेट करके थोड़ा और ऊपर लाता है, उस वक्त जो बेस्ट प्राइस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब मल्टीपल के अंदर आपको बेस्ट प्राइस आ जाता है तो उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मैं 10-20 हजार सस्ता बेचना मंजूर करूंगा बजाय कंडीशन के, क्योंकि जब कंडीशन डाल दी, अगला फाइनेंस की कंडीशन है, अगले ने बेस्ट ऑफर दे दी, कल को कहेगा जी मेरा फाइनेंस हुआ ही नहीं, वो डील फिर कैंसिल हो गई और सेलर का मकान बदनाम हो गया। तो जब भी मल्टीपल ऑफर सिचुएशन होती है 10-20 हजार कम ले लो, ले दो बातें का ध्यान रखो, एक डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए और एक विदाउट कंडीशन होना चाहिए, फर्म ऑफर होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है, अदरवाइज ये कारण है इसका। हाँ जी, हाँ जी, बात ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गिरीश जी, बिल्कुल जुड़ने के लिए हमारे साथ। एंड पीके जी, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आप उसको एकदम शॉर्ट में कर दीजिएगा, फिर आप भी करेंगे। इट्स फनी क्योंकि ये सवाल जिनके आए हैं वो भी उनका नाम भी गिरीश है। ठीक है जी, तो वो ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि करेंट इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर हम मद्देनजर देखते हैं विद द अफोर्डेबिलिटी एंड एवरीथिंग, सो इज रियल एस्टेट स्टिल अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन कनाडा? मुझे बता दीजिए रियल एस्टेट के अलावा और कौन सी है, मुझे दिखा दीजिए जरा, बता दीजिए ना, आज से क्या 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, झगड़ा ही जमीन के ऊपर हुआ है। मुझे बता दीजिए आप, अब ये बैंक ले लीजिए, आरबीसी ले लीजिए, इनके पैसे जमीनों में नहीं लगे हुए, प्रॉपर्टी में नहीं लगे हुए। आप बिल गेट साहब ले लीजिए, इनका पैसा कहाँ लगा हुआ है? वॉरेन बफे ले लीजिए, इनका पैसा कहाँ लगा हुआ है? रिलायंस ले लीजिए, इनका पैसा कहाँ लगा हुआ है? अल्टीमेटली पैसा जमीनों में, मकानों में लगा हुआ है ना, घरों में लगा हुआ है, बिल्डिंगों में लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नो सेकंड थॉट इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कहा? जब आपको खास करके पता ना हो इन फाइनेंसिस का, तो रियल एस्टेट जैसी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। द ओनली थिंग इज आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना आपने। आप सोच लीजिए सायरा, मुझे एक बात बता दीजिए छोटी सी जी। आपने, मैंने, चलो अपनी बात कर लेता हूँ, आप बताइए, मैंने जो घर लिया, मान लीजिए पहला घर लिया था वो मैंने 25,000 रुपए का लिया था, रुपए का, ओके, घर वो करोड़ों का हो गया। उससे पहले मैंने एक जमीन ली थी 5,000 रुपए की, वो करोड़ों की होगी। हर जनरेशन, मेरे पेरेंट्स ने लिया बहुत महंगा, वो कितने का हो गया? उनके पेरेंट्स ने लिया बहुत महंगा, हर जनरेशन महंगा कहती आई है और हर जनरेशन के मकान ने पैसा कमाया है, बशर्ते की आपने उसको होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म नहीं, ओवरनाइट नहीं, दो दो साल तीन तीन साल के लिए रखा, फिर तो इकोनॉमी सिचुएशन देखो, ग्राफ ने अल्टीमेटली ऊपर जाना है पर बीच में छोटे छोटे इतने झटके खाने हैं, डुबकियां मारनी है छोटी छोटी, जैसे अभी मारी हुई है इसमें, अल्टीमेटली टेस्ट गो अप बिकॉज दे डोंट मेक लैंड एनी मोर, जमीन तौर पर नहीं देती, अब हम वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 100 मंजिल के अपार्टमेंट आ गए, तो इसीलिए इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। क्या बात है, करेक्ट बात, लेकिन कई आई डू अग्री विद यू इन दिस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर अब इसको करें बंद प्लीज, बिल्कुल सर, एनी प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग यू वांट टू हाईलाइट, योर नंबर। मैं बताना चाहता हूँ दो तीन बातें कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, कब, कैसे और कहाँ लेना है, मेरे को कॉन्टेक्ट किया जाए, फोन नंबर मैं अभी दूंगा, इसके बाद टेक्स्ट मैसेज डालिए, कॉल्स मेरी फॉरवर्ड हो जाती है असिस्टेंट के पास, तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, नो व्हाट्सएप, ओनली टेक्स्ट मैसेज विद फोन, इमीडिएटली आपको कॉल बैक आएगी, एज सुन एज पॉसिबल बात की जाएगी, मुलाकात की जाएगी, जल्दबाजी मत करिए। रीसेल में लेना है, हमारा बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट हमारे ऑफिस के अंदर, रीसेल का डिपार्टमेंट है, हाईली क्वालिफाइड ब्रोकर्स हैं, वो आपको उंगली पकड़ के ले चलेंगे और रीसेल में लेके देंगे, जबरदस्त आपको
नेगोशिएशन करके देंगे। प्री कंस्ट्रक्शन में जाना है, अलग डिपार्टमेंट है हमारा। प्री कंस्ट्रक्शन में हम आपको बिल्डरों से ह्यूज इंसेंटिव लेके दे रहे हैं आजकल। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बुक, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और जो लोग बेचना चाहते हैं हमें कॉन्टेक्ट करिए रीसेल के अंदर, हम बताएंगे कैसे बेचना है या होल्ड करना है कि बेचना है, हम उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे। फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, एनी रियल एस्टेट, एनी रीसेल, बाय सेलिंग, कॉन्टेक्ट अस। प्लस वी आर ऑल्सो हायरिंग। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, या कोई आपका हमारी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं 3-4 हर महीने, लंच एंड लर्न होता है मेरे साथ भी हर महीने एक बार। अभी भी हमारा 17 तारीख को अक्टूबर को लंच एंड लर्न है जिसको कि मैं देख रहा हूँ। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6472994757। आई रिपीट 6472994757। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पीके जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड फॉर ऑल द नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सरवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, ढेर सारी बातें करी उनके साथ एंड काफी सारी चीज बता सीखने को मिल जाता है। देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम हिम, सो मेनी थिंग्स दैट वी गेन फ्रॉम हिम। जो दानिश जी का जो कॉल आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश जी वेरी स्वीट ऑफ यू टू कॉल पीके जी लाइक दिस ऑन एयर एंड यू नो जब आपने द्रोणाचार्य की बात करी फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक गलत जगह कॉल कर दिया क्या इन्होंने, बट देन एंड आई वाज लाइक मे बी यू नो देयर इज समथिंग एल्स टू इट, बट इंडीड इट वाज वेरी स्वीट इंडीड, बट दैट इज व्हाट शोकेसेस राइट दैट जब ऐसे हम लोग बातें करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, या पीपल लर्न सो मच फ्रॉम जस्ट यू नो अ सिंगल इंटरेक्शन। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ